Student, student, today we will learn English is 2.3. Let's talk. Okay, चलो बातें करते हैं. This is listen and repeat. सुनो और दोहराओ. See children, यहाँ पे क्या है, टीचर है. इन्होंने हाथ में क्या लिया है, डस्टर. और ये बच्चों से पूछ रही है, what is this? What का मतलब क्या, what is this? ये क्या है. देखिए बच्चों, यहाँ पे अलग अलग थिंग्स रखी गई है, अलग अलग वस्तुएं. इसी तरह टीचर हर एक चीज को हाथ में लेंगी और पूछेंगी, और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं, यानी जवाब दे रहे हैं. जैसे कि टीचर ने डस्टर लिया और टीचर बोल रही है, व्हाट इज दिस, ये क्या है. तो बच्चे बोल रहे हैं, दिस इज ए डस्टर. टीचर ये क्या है, डस्टर है. अब टीचर बोल रही है, व्हाट इज दिस, तो बच्चे बोलेंगे, दिस इज ए पेंसिल. व्हाट इज दिस, दिस इज ए पेन. व्हाट इज दिस, दिस इज ए बुक. And what is this? This is a chalk. And what is this? This is a slate. Okay, बच्चो, next picture में देखो. अब देखो दूसरा है, look and say. देखिए यहाँ पे टीचर अपने हाथों से दूर की वस्तु को पॉइंट कर रही है ना, दूर की चीज को दिखा रही है. और क्या कह रही है, what is that? अगर बच्चों कोई दूर की चीज हमें पूछनी हो तो that बोलेंगे, अगर पास में कोई चीज है तो this. Okay? तो देखिए टीचर ने बोला, व्हाट इज दैट, तो बच्चों ने क्या आंसर दिया, दैट इज ए बाइसिकल. ओके, उसी तरह टीचर बोलेंगी, व्हाट इज दैट, बच्चे क्या बोलेंगे, दैट इज ए डोर. व्हाट इज दैट, दैट इज ए ट्री. व्हाट इज दैट, दैट इज ए फैन. व्हाट इज दैट, दैट इज ए बर्ड. व्हाट इज दैट, दैट इज ए विंडो. यानी बच्चों दूर की वस्तु को दिखाने के लिए दैट का यूज करते हैं, और पास की वस्तु को दिखाने के लिए दिस. देखिए ये हाथ में है टीचर के, तो दिस, ये हर चीज को वो हाथ में लेंगे और पूछेंगी, व्हाट इज दिस, तो बच्चे बोलेंगे, दिस इज ए डस्टर, दिस इज ए पेंसिल, जो भी थिंग्स रहेगी, जो भी चीज रहेगी. अगर टीचर दूर की चीज को बोलेंगे, व्हाट इज दैट, अगर दैट में पूछ रही है तो आपको आंसर भी दैट में ही देना है बच्चों. ओके.